हे गाइस, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स की डिग्रियां होती हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। आपने उनके नंबर, नेम प्लेट या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर लिखी देखी होंगी, तो समझने वाले हैं कि कौन सी डिग्री कौन से डॉक्टर के पास होती है और मतलब ये कितने पढ़ाई करने के बाद हासिल की जाती है। काफ़ी डिटेल में नहीं बताने वाले हैं, बस आपको इतना बताने वाले हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जो डॉक्टर है वो कौन सा डॉक्टर है। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी डिग्री है वो है MBBS, इसको तो आप जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। देखिए, ये दो डिग्रियों से मिलकर बना होता है जो कि 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अपने नेम के आगे डॉक्टर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा MD का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आप इसमें मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, यानी कि मेडिसिन के बारे में आप एक्सपर्ट होते हैं और ये 3 ईयर्स का होता है। ये आफ्टर MBBS होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। नेक्स्ट है हमारा DM। DM देखिए, ये हमारा MD के बाद किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसे करने के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं मेडिसिन में, जो कि 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा MS। MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। देखिए, ये जो है वो 3 ईयर्स का है, जो कि MBBS के बाद किया जाता है। या तो आप MD कर सकते हैं या फिर MS कर सकते हैं। MS का मतलब है कि जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सर्जन जो होते हैं, ये उनकी डिग्री होती है। इसके बाद हम कर सकते हैं, देखिए, MCH। MCH का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ चिरुर्जी। जो चिरुर्जी जो बर्ड है, ये एक लैटिन बर्ड है जिसका मतलब होता है सर्जरी। ठीक है, तो ये हमारी MS के बाद की जाने वाली, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद की जाने वाली डिग्री है, जो कि 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, DNB। DNB का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड। देखिए, ये जो है हमारी MBBS के बाद किया जाता है ये, और या तो आप MD कर सकते हैं, MS कर सकते हैं या फिर DNB कर सकते हैं। DNB जो है वो MD और MS से थोड़ा आसान होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा FNB। FNB का फुल फॉर्म है फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड। देखिए, ये जो डिग्री है वो काफ़ी हायर लेवल की होती है। इसको करने के लिए आपके पास कम से कम 3 डिग्री होनी चाहिए। पहले MBBS, फिर MD या MS, या फिर उसके बाद हमें फिर करनी पड़ती है DM या फिर MCH। तो ये DM के बाद, MCH के बाद या फिर DNB के बाद करनी होती है, यानी कि एक हायर लेवल की डिग्री होती है मेडिकल के फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा DCH। इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। इसको करने के बाद देखिए, आप जो बच्चों के डॉक्टर बन जाते हैं, यानी कि ये MBBS के बाद किया जाता है, जो कि 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। इसको करने के बाद मतलब आप जो बच्चों की जो डिसीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट वगैरह में मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो MBBS करने के बाद इसको करते हैं, अगर आपने MD या फिर MS नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा DGO। इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन गायकोलॉजी एंड ऑस्टेट्रिक्स। ये क्या है, आप इसको करने के बाद जो भी हमारी महिलाएं होती हैं उनके आप डॉक्टर बन जाते हैं। ये आफ्टर MBBS होता है, जो कि 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। नेक्स्ट है हमारा DO या फिर DOrtho, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। ये जो है वो 2 साल का डिप्लोमा है, जो कि आफ्टर MBBS किया जाता है। इसके बाद आप जो मस्क्यूलोस्केलेटल वाले मतलब डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब कि जो मसल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, डिसीज होती हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा BVSC, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। इसको करने के बाद आप जो भी पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके डॉक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि इस फील्ड में आप, ये 5 साल का होता है, इसमें आप आयुर्वेदिक वगैरह जो मेडिसिन होती हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और साथ के साथ सर्जरी वगैरह भी होती है। नेक्स्ट है हमारा VUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये क्या है, इसमें आप यूनानी मेडिसिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो इसको हम हकीम वगैरह बोलते हैं वो यहीं से होता है। नेक्स्ट हमारा BHMS, ये है फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप देखिए, होम्योपैथी से, पैथी में जो मेडिसिन हैं उनके आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये 5 साल का होता है। और नेक्स्ट है इसमें DMH, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी।
थी। ये जो है वो BHMS के बाद किया जाता है, ठीक है, ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, वो है BDS। BDS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद आप जो दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं आप वो बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा DMLT। DMLT का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, यानी कि जो लैब वगैरह के आप टेक्नीशियन वगैरह जो बनते हैं वो DMLT को करने के बाद बन सकते हैं। ये डिप्लोमा है, इसकी एक डिग्री भी होती है जिसका नाम है BMLT, जो कि 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो भी टेस्टिंग वगैरह की जाती है, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह जो लैब में होते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा MLT। MLT का फुल फॉर्म है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेस्टिंग वगैरह की जाती है पैथोलॉजी में, ये वही होते हैं, वही टेक्नीशियन बनते हैं MLT को करने के बाद। नेक्स्ट हमारा देखिए ANM का फुल फॉर्म है ऑक्सिलियस नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो है हमारा नर्सिंग में 2 ईयर्स का ये डिप्लोमा होता है। और नेक्स्ट हमारा GNM का फुल फॉर्म है जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो है ANM से मतलब हायर लेवल पे होता है, 3 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए BPT और BPTH, ठीक है, BPT लिखा होगा या फिर BPTH, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें आप थेरेपी जो फिजियो वाले होते हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए इसमें BPharm तो आपने पता होगा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है DPharm, फुल फॉर्म आपको पता ही होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये जो है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद देखिए PharmD, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, आप इसमें मेडिसिन के मतलब एकदम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है OTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये जो है वो 2 ईयर्स का हमारा डिप्लोमा होता है और इसमें आप जो थिएटर वगैरह होते हैं ऑपरेशन के, उनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सारी हमारी डिग्री थी, आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी इनका मतलब क्या है और इनके फुल फॉर्म क्या है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो, आप लाइक करना, शेयर करना।